नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है। इस बीच बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर कोरोना के लक्षण नजर आने के बाद आइसोलेशन में चले गए हैं। वहीं सफदरजंग अस्पताल में भी 23 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं और अन्य मेडिकल स्टाफ भी संक्रमण की चपेट में बताया जा रहा है। उधर दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार तेजी देखने के बाद दिल्ली एम्स ने सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी और उन्हें काम पर वापस लौटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं लखनऊ से भी बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एक साथ करीब 40 मेडिकल स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ये सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। सभी रैंडम टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अस्पताल की तरफ से सभी संक्रमितों को 5 दिनों की छुट्टी देकर क्वारंटीन रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं पटना से भी एक खबर आई है। पटना के NMCH में लगातार डॉक्टरों के संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। यहां अब तक 168 केस सामने आ चुके हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मरीज NMCH में मिल रहे हैं, उससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 168 संक्रमितों में से डॉक्टर्स की अपेक्षा मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। तेजी से फैलते कोरोना की चपेट में स्वास्थ्य कर्मचारी भी आ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।